ये देखिए यहीं के लड़के लोग हैं। देखिए क्या नाम है बाबू तुम्हारा? डैम दिख रहा है, इस डैम में दो दो गांव पड़ता था। आपको जो पेड़ के जैसा जो स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, वहां पर पहले करमचट गांव हुआ करता था और उसके उस साइड में भुल्ली गांव। और ये देखिए पानी इतना बढ़ा कि लोगों को यहां से भागना पड़ा। अंत में सरकार इन लोग को ये इस साइड के गांव में उनको शिफ्ट किया गया और उधर के गांव में लोग बसे हैं यहां से जा करके। और उन सबके घर में लोगों को जिनका खेत वगैरह इसमें पड़ा है, जिनका खेत वगैरह बर्बाद हुआ है, सबके घर से एक एक व्यक्ति को जॉब दिया गया। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? दोस्तों आज हम लोग बैठे थे और सोचे कि चलिए आज कुछ न कुछ नया करते हैं। तो दोस्तों आप लोग के बीच में मैं फिर से आ रहा हूँ एक नया ट्रैवल ब्लॉग के साथ। और आज हम लोग जहाँ का ट्रैवल ब्लॉग बनाने वाले हैं उसका नाम है करमचट डैम। और दोस्तों करमचट डैम जो है ये आपका बादलगढ़ गांव है, उसी के समीप में पड़ता है। और दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो रोहतास की धरती है और रोहतास की धरती पर जो कैमूर पहाड़ है, उस कैमूर पहाड़ में न जाने कितने ऐसे प्राकृतिक सुंदरता, वाटरफॉल, बहुत सारे डैम ऐसे हैं यहाँ पर कि जिनको आप अगर देख लीजिएगा तो आप वहाँ आपका भी मन करेगा कि मैं वहाँ एक बार आऊँ। तो दोस्तों आप वीडियो में बने रहिए और चलते हैं। ये हमारे साथ आज साथ देने वाले हैं ये शिवम है और सुमंत है। चलिए दोस्तों आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग बनने वाला है क्योंकि ये वीडियो जो है ना पहाड़ों से गुजरने वाला है, पहाड़ों के बीच में है दोस्तों। और वैसे भी बरसात का मौसम है और आप देख सकते होंगे कि यहाँ पर एक नदी है, सॉरी नहर है, और इसमें बहुत सारा पानी आया हुआ है। तो ये देखिए अभी बरसात का दिन काफ़ी मज़ा आएगा। आप करमचट डैम जब जाइएगा तो रास्ता में आपको मल्लीपुर गांव मिलेगा और आप बोर्ड में यहाँ देख सकते हैं कि मल्लीपुर यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पे है। मल्लीपुर होते हुए हम लोग करमचट डैम जाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में बने रहिए आप और आगे हम लोग चलते हैं आगे। दोस्तों हम लोग मल्लीपुर पहुँच चुके हैं और आप देख रहे होंगे कि एक प्रवेश द्वार यहाँ पर बना हुआ है, सांसद आदर्श ग्राम प्रवेश गतिविधि केंद्र मल्लीपुर चेनारी, ये लिखा हुआ है। दोस्तों आप यहाँ आइएगा तो ये ध्यान रखिएगा कि इस प्रवेश द्वार से होकर के आपको जाना है और यहीं से आगे जा करके राइट साइड में आपको एक रास्ता मिलेगा। और यहाँ से आप ध्यान रखिएगा क्योंकि आप यहाँ आने के क्रम में आप सीधे चले जाइएगा। तो यहीं से ये जो एक आपको रास्ता दिख रहा होगा, एक लेफ्ट साइड गया तो लेफ्ट साइड नहीं जाना है। अब हमें यहीं से हम लोग एक लिंक रास्ता में हम लोग मुड़ गए हैं, राइट साइड हम लोग ले लिए हैं, टर्न ले लिए हैं और राइट साइड होते हुए अब हम लोग करमचट डैम को जा रहे हैं। दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, हम लोग बहुत जल्द पहुँचने वाले हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं ये करमचट डैम जो है ये कितना विशाल आपको देखने को मिल रहा होगा। दोस्तों ये अपने आप में किसी समंदर से कम नहीं है। और इसके इतिहास के बारे में अगर बात किया जाए तो ये जो डैम बना हुआ है, इस डैम के अंदर में दो दो तीन तीन गांवें इसमें डूब गई है और आप देख सकते होंगे ये कितना दूर में फैला हुआ है। और दोस्तों वो जो पेड़ के जैसा आपको कुछ दिख रहा है, ये जो पेड़ के जैसे यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर करमचट नाम का एक गांव बसा करता था आज से कुछ दिन पहले। और इसके बगल में जस्ट
आप उस कोने में, यहाँ कोने में जो देख रहे होंगे, ये कोने में जो ये दृश्य दिख रहा है, यहाँ पर भुल्ली नाम का एक गांव बसा करता था। लेकिन यहाँ पर ये जो नदी है, दुर्गावती नदी का पानी जब ज्यादा बाढ़ का रूप लेकर के आती थी तो गांव वाले सब परेशान हो जाते थे, गांव यहाँ डूब जाता था दोस्तों। तब जाकर के अंत में इस गांव को यहाँ से दूसरे जगह शिफ्ट किया गया, और शिफ्ट करने के बाद इस गांव को बादलगढ़ और अगल बगल बहुत सारे गाँव में बसा दिए गए यहाँ के लोगों को, और हर एक घर में एक एक लोगों को नौकरी भी दिया गया। तो दोस्तों आप देख सकते, ये है आपका रोहतास का धरती। रोहतास की धरती में भी बहुत सारे ऐसे ऐसे चीजें आपको अभी देखने को मिलेगा कि अगर आप छुट्टियां बिताने के बारे में सोच रहे होंगे तो दोस्तों आप निसंदेह यहाँ। दोस्तों यह डैम रोहतास और कैमूर जिले के समीप पर अवस्थित है, और यह जलाशय जो है शेरगढ़ पहाड़ी व कैमूर के करमचट के पास राजा देव टोंगर की पहाड़ी के बीच से निकलने वाली दुर्गावती नदी पर बना है। और मैं बता दूं, यह जो डैम है आप जो देख रहे हैं, जिस डैम पर अभी हम चल रहे हैं, यह डैम 46 मीटर ऊंचा है और तथा 1615 मीटर ये इसका लंबाई है, और इसका पानी जो रोकने का क्षमता है दोस्तों 275 क्यूबिक मीटर है। और इस जलाशय का, इस दुर्गावती जलाशय का जो उद्घाटन पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के द्वारा किया गया था। पहाड़ जो है, इस पहाड़ के एक छोर से यहाँ से जाते हुए ये देखिए पहाड़ के दूसरे छोर, और वो दूसरा छोर आपका देखिए, वो पहाड़ का दूसरा छोर वहां पर है, वहां से लेकर के यहाँ तक से बांध को बांधा गया है, और इसमें पानी को रोक करके रखा गया है। अब हम चलते हैं डैम के दूसरी तरफ, देखते हैं जिस तरफ से छोटी छोटी नहरों के माध्यम से जल को विभिन्न गांवों तक पहुंचाया जाता है, और उस नदी में, उस नहर में कैसे बच्चे लोग एंजॉय कर रहे हैं। चलते वहां का भी थोड़ा नज़ारा देख लेते हैं दोस्तों। मजा आ रहा है, और आए देखिए बच्चे लोग कैसे कर रहे हैं, देखिए देखिए
और दोस्तों काफी मजा आ रहा है ये ट्रैवल ब्लॉग में प्रिंस कुमार है। देखिए कैसे लोग सब मस्ती कर रहे थे और मैं आपको नजदीक से दिखाता हूँ। देखिए कैसे यहाँ से देखिए दोस्तों यहाँ से पानी निकल रहा है और पानी निकल करके यहाँ से बच्चे कूद रहे हैं। देखिए बच्चे को कैसे कूद रहे हैं, काफी मजा आ रहा है। और यहाँ के बच्चे काफी अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं। देखिए ये लड़के लोग देखिए क्या नाम है बाबू तुम्हारा? यादव यादव जी। अच्छा मैं सब पानी से खेल रहे हैं। और मैं आपको घूम करके दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही और फिर मिलते हैं हमारे दूसरे ब्लॉग में। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए और हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि मैं और कुछ ज़्यादा कर सकूं। तो ओके चलते हैं दोस्तों, बाय दोस्तों, फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। ओके थैंक यू।